अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके कहने का यह अर्थ है कि केजरीवाल साहब लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं? हाँ सर, ये तो मिसलीड ही है, ये तो सीधा है। 5 साल इसकी गवर्नमेंट में हमने कोर्ट में लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और हम वहां तक जीतते गए। अच्छा अच्छा, तो अभी ये जो दावा कर रहे हैं केजरीवाल साहब की, ये कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रति काफी संवेदनशील है और उनके गेस्ट टीचर हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे आप नए हो पुराने हो, चाहे आपको कितने ही साल क्यों ना हो गए हों, एक उम्मीद एक आस लगाई होगी आपने दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार आपके लिए कुछ अच्छा करेगी। इसी उम्मीद में, इसी आस में आप अपनी सेवाएं दे रहे होंगे कि एक दिन आपका करियर फ्यूचर दिल्ली सरकार सुरक्षित करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जाने वाला प्रूफ, ये वीडियो आपकी आंखों से पर्दा हटा देगा, सच्चाई आपके सामने होगी। उस सच्चाई को देखकर के आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। दोस्तों, दूसरे राज्यों में जब कुछ अच्छा सुनाई देता है, सैलरी बढ़ने को लेकर के, पॉलिसी बनने को लेकर के, परमानेंट होने को लेकर के, तो एक उम्मीद जगती है और ये उम्मीद दूसरे राज्यों में भी जगती है और ऐसा लगता है कि भाई आज उस राज्य में हुआ तो परसों उस राज्य में होगा, अगले दिन उसमें, तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, उम्मीद जगी है। दिल्ली सरकार एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। मैं एजुकेशन के मामले में दिल्ली सरकार का काफ़ी फैन हूं क्योंकि सुधार हमें देखने को मिले हैं। लंबा टाइम आप देखो कि पहले स्कूलों की क्या हालत थी और आज क्या हालत हो गई है, सुधार हुआ है। लेकिन गेस्ट टीचर्स के मामले में दिल्ली सरकार हमेशा उदासीन रही है और कुछ नहीं करने वाली दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स का कोई पॉलिसी नहीं बना पाएगी, कोई परमानेंट नहीं करा सकती है, नहीं कराएगी। सकने के लिए बहुत कुछ करा सकती है दोस्तों, दिल्ली सरकार में ही जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी आपने सुनी होगी, दिल्ली सरकार के ही अंडर में माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट टीचर हैं उनके लिए भी आपने पॉलिसी सुनी होगी। हालांकि कश्मीर फाइल के मामले में आजकल काफ़ी गरमाया हुआ है और ये चाहे कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी माइग्रेंट टीचर हो, इन पर भी उसका असर देखने को मिला है। एक नज़र आप डालें इस वीडियो में और वीडियो देखें सुने, उसके बाद सच में आप हैरान हो जाओगे। सेवाएं स्थाई की गई, केजरीवाल जी का दावा है कि उन्होंने ही ये किया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की काफी जो है सहायता की है, उनकी जो सेवाएं हैं उनको रेगुलराइज किया है, स्थाई किया है। तो क्या कहेंगे आप उनके दावे के बारे में, क्या ये दावा सही है या गलत? हम 2008 में कोर्ट में गए थे, फिर 2010 में हाई कोर्ट में, 2015 में सिंगल बेंच ने जजमेंट दे दी हमारे फेवर में 2015 की, और 2016 में ये डबल बेंच में गए सर। तो 2018 में फिर डबल बेंच ने भी हमारे फेवर में और मॉडिफाई करके और अच्छी तरीके से हमारे फेवर में और हमें रेगुलराइज कर दिया, जिसमें ये भी लिखा था कि जहां से सर्विस इन्होंने शुरू की है वहां से इनको पे फिक्सेशन किया जाए। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सारे थे, फाइनेंशियल इफेक्ट 119 से था। अच्छा अच्छा, भानसा मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपके पक्ष में आदेश दिया, उसके बाद केजरीवाल सरकार उसी आदेश के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर करती है दिल्ली उच्च न्यायालय में, आप यही कह रहे हैं? यस सर। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया, उन्होंने दोबारा आपके पक्ष में ही जो है आदेश दोबारा हमारे पक्ष में दे दिया और फिर दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। हाँ, डबल बेंच के जजमेंट के खिलाफ, ये हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में दो ही हेयरिंग में उन्होंने वो पिटिशन, वो जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी, यानी कि केजरीवाल सरकार की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया, यस सर, उसी वक्त। अच्छा, और फिर इनको इंप्लीमेंट करना पड़ा। अच्छा, 8-10 महीनों के बाद इन्होंने किया। आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई विकल्प नहीं था इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बगैर?
हाँ सर, और कोई चारा ही नहीं था इनके पास। अच्छा, अगर इनको करना था तो 2014 में जब ये आया था तो उसी वक्त कर लेते। बातों में कहीं ना कहीं झोल है, बातों में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। एक तरफ आजकल कश्मीरी फाइल का मुद्दा गरमाया हुआ है, साथ में गरमाया हुआ है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, और वहीं पर कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम राजनीति नहीं करते, हम काम करते हैं, हम माइग्रेंट टीचर जो कश्मीर से आए हुए हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और हम उन्हें परमानेंट कर रहे हैं, हमने उन्हें परमानेंट कर दिया। अब यहाँ पर विरोधाभास है कि अगर दिल्ली सरकार के पास पावर है, अगर दिल्ली सरकार कुछ कर सकने में समर्थ है, वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को परमानेंट कर सकती है, वो जो जल बोर्ड में लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनको परमानेंट कर सकती है, उनके लिए पॉलिसी बना सकती है, तो सेम सरकार दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के लिए पॉलिसी या कोई भी स्टेप क्यों नहीं ले पाती है, वहाँ पर एलजी या दूसरे मामले क्यों अटकते हैं। इससे तो साफ हो गया होगा कि दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और इतना सा भी नहीं लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ कर रही है। हालांकि कई बार हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि बीजेपी नहीं करने दे रही है, एलजी रोक रहा है, लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आया कि जल बोर्ड के भी उनके लिए भी काम हो रहा है तब एलजी नहीं रोक रहा, जब यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के लिए काम हो रहा है तब भी एलजी नहीं रोक रहा, तो गेस्ट टीचर्स के मामले में ही एलजी क्यों रोक रहा। दोस्तों मामला कुछ और ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो काम कर नहीं रही है, बल्कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का काम रोक रही है। और इन टीचर्स का कहना है कि जब दिल्ली सरकार से हमने आस लगाई थी कुछ भी अच्छा हमारे साथ नहीं हुआ, तो हम सीधा गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद फैसला हमारे पक्ष में आया और कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि भैया इनको आप इनके लिए स्टेप लो। तो उसके बाद दिल्ली सरकार ऊपर हाई कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, मतलब उस स्टेटमेंट को, जजमेंट को नकारने के लिए ऊपर बेंच में जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्ट कह रही है कि इनके लिए स्टेप लो, इन्हें परमानेंट करो, इनके लिए पॉलिसी बनाओ, लेकिन दिल्ली सरकार ऊपर वाले बेंच में जाकर के कहती है कि नहीं, हम इनके लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे, इन्हें परमानेंट नहीं करना चाहिए। भैया एक तरफ आप कहते हो कि हम स्टेप ले रहे हैं, दूसरी तरफ जब कोर्ट कह रहा है कि भैया इन्हें स्टेप लो, इन्हें परमानेंट करो, तो वहाँ पर भी आप टांग अड़ाते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों काफ़ी झोल है।